महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ साथ मध्य प्रदेश के झाबुआ विधानसभा उपचुनाव के नतीजे भी आज घोषित किए गए हैं, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने जीत हासिल की है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी भानु भूरिया को 27,925 वोटों से हराया है। गौरतलब है कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव में 109 सीटें जीती थी, लेकिन सांसद बनने के बाद गुमान सिंह डामोर ने इस्तीफा दिया था और विधानसभा में फिलहाल भाजपा के पास 108 विधायक हैं। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के पास 114 विधायक हैं। इसके अलावा कांग्रेस के पास 4 निर्दलीय, 1 सपा और 2 बसपा विधायक हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वोटों की गिनती में करीब 26 राउंड किए गए थे, जिसमें कांतिलाल भूरिया ने जीत दर्ज की है। बिल्कुल, आपका मीडिया का भी आभारी हूँ, मतदाता भाई बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों का आभारी हूँ और हमारे कांग्रेस के सभी नेता कार्यकर्ता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भ्रम फैलाकर गुमराह करके और यहाँ पर मतदाताओं को भ्रमित करने की कोशिश की थी, पर भाजपा की बात में न्याय है। क्योंकि गोपाल भार्गव पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात कर रहा था, ये चुनाव विधानसभा का है। पाकिस्तान में लोगों को कैसे धर्म के आड़ में हिंदू मुस्लिम के नाम से यह सब सारा गुमराह करने का काम पर आम मतदाता उनकी बात में नहीं आए और भाजपा को मुँह तोड़ जवाब दिया। कल्याणपुरा पट्टी हमेशा भाजपा के पक्ष में रहती, फिर उन्होंने भी उसका पीछा छोड़ा कि झूठे लोगों को यहां से भगाओ, यहां से भाजपा को छुट्टी की है। कांतिलाल भूरिया है, अब उनके विश्वास पे खड़ा उतरूंगा और जितनी भी 15 साल में यहां विकास ठप हो गया उस विकास को मैं आगे बढ़ाऊंगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।